वेलकम फ्रेंड्स, ए एम मैथ्स ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है हमारा एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में सीखना है। एनालिटिक फंक्शन मतलब कोई फंक्शन जब उसका कॉन्जुगेट फंक्शन गिवन हो, चाहे उसमें रियल पार्ट चाहे इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला है और क्या मेथड्स हैं, वन बाय वन हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। में रियल पार्ट ऑफ मतलब यू गिवन होगा, तो यू जब गिवन हो, यू मतलब क्या होगा, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहला डेल यू डेल एक्स फाइंड करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं फाई वन एक्स वाई से, और डेल यू डेल वाई फाइंड करेंगे जो फाई टू एक्स वाई को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक है मिलने थॉम्सन मेथड्स। ठीक है, ये फार्मूला है एफ जेड फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। फाई वन जेड जीरो कैसे फाइंड करेंगे आप, ये जो फाई वन एक्स वाई है ना, तो फाई वन जेड जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, फाई वन एक्स वाई में आपको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है जेड से और वाई को रिप्लेस करना है जीरो से, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली जब हम फाई टू जेड जीरो निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, फाई टू एक्स वाई जो है, तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से वही काम, एक्स को जेड से रिप्लेस करना है, वाई को रिप्लेस करना है जीरो से, तो ये मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, बट इसके लिए हमें डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल वाई चाहिए। तो ये हो गया पहला फार्मूला। ठीक है, दिस इज वन, मान लीजिए वन है। सिमिलरली जब फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन, मतलब इमेजिनरी पार्ट मतलब वी गिवन होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है ना, वी गिवन है, तो इमेजिनरी पार्ट गिवन है, वी मतलब वी एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेल वी डेल एक्स फाइंड करेंगे और डेल वी डेल वाई। बट यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था, इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे डेल यू डेल एक्स को फाई वन माना था हमने, बट यहाँ पे डेल वी डेल एक्स को साई टू मानते हैं, ये सेकेंड वाला होगा। ठीक है, साई टू एक्स वाई, डेल वी डेल वाई साई वन एक्स वाई। तो मिलने थॉम्सन मेथड ये कहता है कि इसकी वैल्यू हो जाती है साई वन जेड जीरो प्लस आई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ आई साई टू जेड जीरो डी जेड। तो अब साई वन जेड जीरो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा है डेल वी डेल एक्स जो है ना, और ये वैल्यू क्या है आपकी, साई टू एक्स वाई है, तो इसमें हमको क्या करना है, x को फिर से वही काम करना है, z से रिप्लेस कर देना है, y को रिप्लेस कर देना है जीरो से। और डेल वी डेल वाई वाले कंसेप्ट में ये है आपका साई वन एक्स वाई, तो यहाँ भी वही काम करना है, x को रिप्लेस करना है z से, y को रिप्लेस करना है जीरो से, तो ये मिल जाएगा। फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये पहले दो टाइप्स हो गए। अब तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा टाइप्स। जब फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन यू माइनस आई वी गिवेन होगा, ये यू माइनस आई वी गिवेन है, तो अब ये क्या, अब यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे यू एंड वी सेपरेट दिया था, बट यहाँ पे यू माइनस वी इज गिवेन है, तो वी नो दैट, हमको इसका कंसेप्ट, इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब यू एंड माइनस आई वी गिवेन, यू माइनस वी गिवेन हो, तो एवरी वन इज नो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, आप जानते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई एफ जेड आई यू आई स्क्वायर वी, आई एफ जेड आई यू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, वी हो गया, जोड़ दीजिए दोनों को, तो एफ जेड आई वन प्लस आई यू, ये देख लीजिए यू और रियल रियल वाला पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी वाला पार्ट, तो अब ये कन्वर्ट हो गया एफ जेड, इसको मैंने लिख दिया कैपिटल एफ जेड, ये कैपिटल यू और ये कैपिटल वी। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, इट मीन्स u माइनस वी क्या है, वाट दिस इज द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। ठीक है ना, इस कैपिटल एफ जेड वाले का, इस कैपिटल एफ जेड का क्या है, रियल पार्ट है, और u प्लस वी क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है। सो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड पे वर्क करना है हमें, तो व्हेन u वेयर एफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस फाइव और स्मॉल एफ जेड, मतलब ये एनालिटिक फंक्शन इसको डिनोट कर रहा है आपका। तो इस पर अब आगे बात करते हैं, When u माइनस वी गिवेन हो, दैट अप्लाई द मिलने थॉम्सन मेथड्स ऑफ रियल पार्ट वाला, मतलब ये वाला फार्मूला, ये वाला लगाना है यहाँ पे, तो वही है, बस वहाँ पे सिर्फ कैपिटल u वाला कंसेप्ट हो जाएगा, इस वाले में क्या था, स्मॉल u था
और यहाँ पे क्या है कैपिटल यू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ एफजेड जो है पहले कैपिटल एफजेड के सीक्वेंस में लिखेंगे, फिर कैपिटल एफजेड जैसे राइट अप कर लेंगे, फिर एफजेड को किससे रिप्लेस कर देंगे इस वाले टर्म से, तो वो फाइनल रिजल्ट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फाइनलिटी फंक्शन जब यू प्लस वी गिवेन होगा, तो यू प्लस वी गिवेन है तो मतलब ये कौन सा पार्ट दिए है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, इससे आ जाइए, ये इमेजनरी पार्ट गिवेन है, इमेजनरी। तो हम इमेजनरी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इमेजनरी पार्ट एफजेड इज गिवेन, दिस इज एफजेड ये है, तो डेल वी डेल एक्स इमेजनरी पार्ट वाला ये फार्मूला हमारा ये वाला, तो इस वाला लगा देंगे यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से एक कैलकुलेशन करना है, तो पहले हम एफजेड के लिए कैपिटल एफजेड के लिए लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ये एफजेड को रिप्लेस कर देंगे वन प्लस आई एफजेड से, और फिर आगे का कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट है टोटल, ये चार तरह के मेथड्स हो गए, फर्स्ट रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट्स, यू माइनस वी और यू प्लस वी। तो इन फार्मूलों को सिर्फ देखना है और ध्यान में रखना है, जब इन फार्मूलों को आप अंडरस्टूड कर लेंगे तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और ये सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जैसे आपका कैलकुलेशंस हो पाए। ओके, तो नाउ ये मैंने प्रॉब्लम्स ले लिया है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवेन है, रियल पार्ट इज गिवेन है, याद रखिएगा। तो रियल पार्ट मतलब यू गिवेन है, यू गिवेन है आपको, तो ई रेस टू टू एक्स एक्स कॉस ऑफ टू आई माइनस वाई साइन टू आई। ठीक, तो अब हम डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई चाहिए हमें, तो हम चाहें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें फिर उसके बाद इसका वर्क करें। ठीक है, एक्स ई रेस टू टू एक्स एंड कॉस टू आई, ठीक है, माइनस ई रेस टू टू एक्स वाई साइन ऑफ टू आई, हो गया। तो अब वर्क करते हैं डेल यू डेल एक्स की तरफ, डेल यू डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा ये निकाल लेना है, इसमें यू वी अप्लाई कर देना है, एक्स तो टू ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा प्लस ई रेस टू टू एक्स और कॉस ऑफ टू आई माइनस टू ई रेस टू टू एक्स वाई साइन टू आई। ठीक है, हमें अलग से कुछ नहीं करना है फिर, तो ये हो गया हमारा फाइव वन एक्स वाई। ठीक है ना, फाइव वन एक्स वाई, एक्स तो टू एक्स ई रेस टू टू एक्स प्लस ई रेस टू टू एक्स कॉस टू वाई माइनस टू ई रेस टू टू एक्स वाई साइन टू आई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये निकाल लेते हैं फाइव वन जेड जीरो को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स में लगने वाले हैं, ये फाइव वन है, फाइव वन जेड जीरो, तो फाइव वन जेड जीरो निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा टू जेड ई रेस टू टू जेड प्लस ई रेस टू टू जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ जीरो माइनस टू ई रेस टू टू जेड और ये साइन ऑफ जीरो इंटू जीरो, तो सेकेंड टर्म तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये मिल गया टू जेड प्लस वन और ई रेस टू टू जेड, ये मिल गया फाइव वन जेड जीरो। अब आते हैं डेल यू डेल वाई की तरफ, डेल यू डेल वाई, तो यहाँ पे आ जाइए अब डेल यू डेल वाई वाला कंसेप्ट, तो एक्स ई रेस टू टू एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये मिल जाएगा माइनस टू साइन टू वाई माइनस ई रेस टू टू एक्स एट इट इज, यहाँ पे यू इंटू वी रूल अगेन, वाई टू हो जाएगा और कॉस ऑफ टू वाई प्लस साइन टू वाई और इसको हम बोलते हैं अब फाइव टू एक्स वाई। ठीक है ना, रियल पार्ट वाला है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स ई रेस टू टू एक्स साइन टू आई, ठीक है, माइनस ई रेस टू टू एक्स टू आई कॉस टू आई प्लस साइन ऑफ टू आई। तो अब वाई टू जेड जीरो, एक्स को रिप्लेस कर देना है जेड से, वाई को रिप्लेस करना है जीरो से, तो माइनस टू जेड ई रेस टू टू जेड साइन जीरो माइनस ई रेस टू टू जेड और यहाँ पे जीरो फिर यहाँ पे जीरो, मतलब टोटल जीरो मिल गया फाइव टू जेड जीरो। तो अब हम मेलिनी थॉम्पसन को लगाएंगे यहाँ पे और देखेंगे, मेलिनी थॉम्पसन
मेथड एफ जेड इज इक्वल टू वाट, एफ जेड इंटीग्रेशन फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो, ठीक है, डी जेड प्लस सी। तो फाइव वन जेड जीरो ऑलरेडी निकाल लिया है, ये वाला जीरो है, तो इंटीग्रेशन टू जेड प्लस वन इरस टू टू जेड और ये जीरो, मतलब डी जेड प्लस सी। अब यहाँ पे u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी अप्लाई कर दीजिए, u v1 वन माइनस यू डैश वी टू प्ले यू डबल डैश वी थ्री एंड सो वन। तो v1 क्या है, आई एन टी इंटीग्रेशन ऑफ v विथ साइन, ठीक। v2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी वन विथ साइन, और ये इसके बारे में मालूम है, यू डैश क्या हो जाएगा आपका, यू जो है ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, यू सो ऑन। तो अब ये कंसेप्ट है तो अब इसी को यूज कर लेना है यहाँ पे। चलिए तो अब हम कर लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा टू जेड प्लस वन और उसका इरस टू टू जेड का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा इरस टू टू जेड अपॉन टू, ठीक, माइनस टू और फिर से यहाँ पे इरस टू टू जेड और इस वाले का कर देंगे, ये वी वन हो जाएगा, तो वी वन का मतलब हो जाएगा तो इरस टू टू जेड अपॉन फोर, ठीक। तो अब टू जेड इरस टू टू जेड अपॉन टू मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ई रेस टू टू जेड अपॉइंट टू माइनस ई रेस टू टू जेड अपॉइंट टू, ये तो गया ये भी गया, तो एफ जेड हमारा क्या मिल गया, जेड ई रेस टू टू जेड, ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इसमें पूछ दिया कि आपको कॉन्जुगेट फंक्शन को फाइंड करना है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड वी, तो क्या करेंगे, तो पहला क्या होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको कह दिया कि फाइंड वी, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिर एक्स प्लस आई वाई करना होगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू ये टू एक्स प्लस आई वाई। तो अब यहाँ पे आपको फिर से वही इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करना होगा, फिर उसके बाद फाइंड करना होगा कंपेयर करके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप जाते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे u प्लस आई वी होता है, तो आप इसको पहले ओपन करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो रेस टू टू एक्स निकलेगा, फिर सेपरेट एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो उस तरह से कर सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई रेस टू टू एक्स और फिर रेस टू आई टू वाई और फिर इसको यूलर्स वाले से ब्रेक करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको टारगेट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इस पर अभी बात नहीं हो रही हमारी, बट जब आगे मैं इस पर बताऊंगा तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद फिर ये भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टू, इफ़ वी इक्वल टू दिस तो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। वी मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, ये इमेजिनरी पार्ट गिवन, ठीक है ना। तो v दे दिया है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की, तो पहला डेल v डेल x वही काम करना है, डेल v डेल x क्या हो जाएगा सिक्स एक्स वाई डेल v डेल y का हो जाएगा, निकाल लीजिए ये जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। तो अब ये क्या है, यही तो देखना था ना, साइड टू एक्स वाई है, इमेजिनरी वाले में चेंज होता है, तो ये सिक्स एक्स वाई, ठीक, ये क्या है साई वन एक्स वाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये ध्यान में रखना था। तो अभी जब ये अल्टरनेट होगा ना, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, समझ में आ रही बात। तो अब साई टू जेड जीरो भी निकाल लीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा, साई वन जेड जीरो क्या हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर माइनस जीरो,
ठीक। अब मिलने, थॉमसन मेथड, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फ्रेंड्स साई वन जेड जीरो प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, डी जेड प्लस सी तो रख दीजिए फिर से वही काम। साई वन जेड जीरो कितना है, थ्री जेड स्क्वायर है, ये जीरो हो गया, डी जेड प्लस सी ये हो गया टोटल, सिर्फ थ्री जेड क्यू मतलब जेड क्यू मिल जाएगा प्लस सी, दिस इज एफ जेड, ये मिल गया। ठीक है, अगर हमको सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी करना है तो एक्स प्लस आई वाई का होल क्यू हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा। यू एंड वी अगर आपको सेपरेट करना है तो यू प्लस आई वी हो गया, और इसको ओपन कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस आई क्यू वाई क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर ना, तो थ्री एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी, तो एक्स क्यू अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये मिल जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आई वाला कंसेप्ट देख लीजिए, आई ना आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर में माइनस वन हो जाएगा, माइनस वाई क्यू मिल जाएगा, और यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, अब चाहें तो सी को जीरो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू प्लस आई वी तो यू वाला ये पोर्शन हो जाएगा एक्स यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमारा, तो ये ध्यान में रख लेना है, यू मिल जाएगा। तो अगर आपको कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, और वी आपका ये दे दिया है देख लीजिए यहाँ वाला है जो, तो यही मिलेगा और ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट फंक्शन को भी निकाल सकते हैं, बट वो मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा आपको कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे सिर्फ अभी हमारा सिर्फ एनालिटिक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो आप एनालिटिक फंक्शन फाइंड करके फिर कॉन्जुगेट फंक्शन को कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको बता दिया, कि इसको ओपन करके सेपरेट एंड रियल इमेजिनरी पार्ट कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया है, इज एनालिटिक, देन यू माइनस आई वी ऑलरेडी इज गिवेन है, तो आपको फाइंड क्या करना है ये ध्यान में रखना है। अब यू माइनस आई वी दिया है तो हमें क्या दिया है ये आपको पहले मैंने बता दिया है, बट आपको फिर से मैं एक बार कर देता हूँ, आई यू प्लस आई वी है तो यहाँ पे हम इसको आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एफ जेड प्लस इज इक्वल टू सॉरी आई यू माइनस वी हो जाएगा, तो वन प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है ये मैंने बताया था आपको, बट यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ठीक है, तो ये कैपिटल एफ जेड मान लीजिए, यू माइनस वी मान लीजिए, सॉरी एफ जेड है कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी, तो ये अब दे दिया है मतलब कैपिटल यू दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, ये कौन सा है रियल पार्ट, ये है ना आपका यू मतलब ये रियल पार्ट ऑफ एफ जेड सॉरी कैपिटल एफ जेड। ठीक, तो पहला वर्क वही मिलने थॉमसन को अप्लाई करना है बट कैपिटल वाले फॉर्म में, तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा फाइव वन एक्स वाई डेल यू डेल वाई। ठीक, तो ई रेस टू एक्स एट इट इज कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, और ये हो जाएगा फाइव टू एक्स वाई। ठीक, तो अब मिलने थॉमसन मेथड, थॉमसन मेथड क्या करता है स्मॉल एफ जेड के लिए, बट यहाँ पे कैपिटल एफ जेड के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव वन जेड जीरो
माइनस आई पाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी, सिंपल। तो फाई वन जेड ज़ीरो मतलब यहाँ पे रख देना है सिर्फ, तो क्या मिलेगा जेड ज़ीरो मतलब ई रेस टू जेड मिलेगा सिर्फ, और कॉस ज़ीरो वन हो गया, साइन ज़ीरो खत्म बात। माइनस आई फाई टू जेड ज़ीरो आई, ये आ जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइन ई रेस टू जेड और ये माइनस, ठीक है। मतलब हमें क्या मिलेगा ये ज़ीरो ये माइनस ई रेस टू जेड, ठीक है, डी जेड प्लस सी। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा ई रेस टू जेड प्लस आई ई रेस टू जेड प्लस सी एफ जेड। तो एफ जेड आपको मालूम है क्या है, एफ जेड हमारा क्या है आपके वन प्लस आई एफ जेड, तो वन प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस वन प्लस आई ई रेस टू जेड प्लस सी, ठीक है। तो अब हम इस पर वर्क कर लेंगे, तो यहाँ से हम इसको अब निकाल लेते हैं, तो एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेस टू जेड प्लस सी अपॉन वन प्लस आई, यही हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि यू माइनस वी गिवन हो, तो हम कौन सा ये रियल वाला पार्ट यूज़ करेंगे, रियल वाला जो मिलने थॉमसन मेथड है उसको अप्लाई करना है। अब जब हम इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा उस केस में, मतलब यू प्लस वी गिवन होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझिए। पहले ये गिवन है तो इस तरह से हम ब्रेकिंग करते हैं, मैंने पहले बता भी दिया आपको ये वाला कंसेप्ट, ये फार्मूला है, इसको आप फिर से देख लीजिए एक बार, और फिर ये वाला वही है, तो यू एफ जेड यहाँ पर ये है और u इज इक्वल टू दिस, तो फिर से वही प्रोसेस, बट ये जो कि रियल पार्ट है इसलिए रियल वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया एफ जेड कैपिटल एफ जेड के लिए, उसके बाद फिर कैपिटल एफ जेड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एफ जेड से, वन प्लस बाई वो एम से मिल जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इस वाले पोर्शन को भी कर लेते हैं, तो अब कह रहा है u प्लस एनालिटिक है और u प्लस वी दे दिया है, तो मान लीजिए अब u प्लस वी दिया है तो मतलब ये क्या दिया हुआ है हमारा, वहीं पहले भी किया था ये वाला पोर्शन, मतलब ये v दिया हुआ है, ये v, ठीक है, कैपिटल री इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, मतलब ये आगे दिया हुआ है ना, तो आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, मतलब एफ जेड इज इक्वल टू क्या है आपका यू प्लस आई वी, तो आई एफ जेड क्या हो जाएगा आई यू माइनस वी, ठीक, जोड़ दीजिए वन प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू तो यू माइनस वी और प्लस आई यू प्लस वी, ये कैपिटल एफ जेड मान लीजिए और ये कैपिटल यू आई कैपिटल वी, तो अब ये क्या है दैट इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल एफ जेड, ठीक, और एफ जेड इक्वल टू आपको पता है ये है, तो इसको ही अब सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब तो कैपिटल वी इज इक्वल टू आपको दे दिया है ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई, ठीक, तो वही काम डेल वी डेल एक्स पहले, तो माइनस हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई, और ये है आपका साई टू एक्स वाई, ठीक, डेल वी डेल वाई ई रेस टू माइनस एक्स एट इट इज माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई, ठीक है, और हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा हमारा साई वन एक्स वाई, ठीक, तो मिलने जी को लगा दीजिए यहाँ पे, मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो कैपिटल एफ जेड के लिए हम राइट अप करेंगे, तो कैपिटल एफ जेड के लिए आपको मालूम है साई वन जेड जीरो प्लस आई टू आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी, तो कैपिटल एफ जेड फॉर दिस, तो साई वन जेड जीरो यहाँ पे है साई वन जेड जीरो ध्यान में रखेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी इस वाले सीक्वेंस में एक्स को रिप्लेस कर देंगे जेड से, वाई को रिप्लेस कर देंगे जीरो से, तो आ जाइए साई वन जेड जीरो अभी, तो ई रेस टू माइनस जेड
ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ज़ीरो ए वन ठीक प्लस आई। अब साइड टू, तो साइड टू यहाँ पे है तो माइनस ई रेस टू माइनस जेड और ये वन हो जाएगा, इतना ही मिलेगा बाकी ख़त्म, डी जेड प्लस सी। तो आगे का वर्ग ये सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन साइड ई रेस टू माइनस जेड ठीक है ना, और माइनस आई ई रेस टू माइनस जेड डी जेड प्लस सी। तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस जेड प्लस आई ई रेस टू माइनस जेड प्लस सी। तो अब एफ जेड को किससे रिप्लेस कर देना है, वन प्लस आई से, वन प्लस आई एफ जेड दो माइनस वन प्लस आई रेस टू माइनस जेड प्लस सी। तो एफ जेड आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन। तो इस तरह से हम इस एनालिटिक फंक्शन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आगे के प्रॉब्लम्स को आप इसी तरह से ट्राई करिए और सिंप्लीफाई करते रहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था लॉजिकल, तो इसको मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अभी वन टू, टू वाले में कुछ कन्फ्यूजन था क्या मेरा, वो देख ले रहा हूँ सिर्फ। ये थ्री साई वन ना, नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सही है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।